Assalamu alaikum students, good morning, how are you all? I hope you all are fine and I'm a science teacher and this is your science book. Now we start our today's topic, complete of in the page number 73. Okay students, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. हमने वाटर, अर्थ, सन, मून इन सब के बारे में पढ़ लिया था. अब वेदर यानी कि मौसम इसके बारे में पढ़ते हैं. द पिक्चर शोज सम चिल्ड्रन प्लेइंग. सबसे पहले पिक्चर देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. Would they be able to play like this if it was raining very hard? वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाए तो क्या ये बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते, क्योंकि बारिश में क्रिकेट खेला ही नहीं जाएगा. The weather can change any time, और मौसम कभी भी किसी भी वक्त बदल जाता है. There are different types of weathers, और weather से कुछ different types होते हैं. कौन कौन से types होते हैं उनको read करते हैं अब. When the sky is clear and the sun is shining, the weather is called sunny weather. अगर आसमान बिल्कुल clear है, बिल्कुल साफ है और सूरज चमक रहा है, so उस वाले weather को हम क्या कहेंगे? सनी वेदर, यानी बहुत ज्यादा गर्मी, उसको हम क्या कहते हैं? सनी वेदर. नाउ प्लीज मूव टू पेज नंबर 74. एट टाइम्स देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड हाइड द सन, वी कॉल दिस क्लाउडी वेदर. और कुछ वक्त में ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एकदम आसमान पे बादल आ जाते हैं, बहुत सारे बादल आ जाते हैं और सूरज भी उनके पीछे छुप जाता है, तो हम ऐसे वेदर को क्या कहते हैं? क्लाउडी वेदर. समटाइम्स इट इज वेट, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, दिस इज कॉल्ड रेनी वेदर. और कुछ टाइम ऐसा होता है कि बादल आ जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है, सो उस वेदर को हम क्या कहेंगे? रेनी वेदर. क्लाउडी वेदर जब होता है जब आसमान पर बादल आ जाते हैं, रेनी वेदर जब होता है जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, देन सनी वेदर जब होता है जब आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है और सूरज चमक रहा होता है. समटाइम्स द विंड कैन ब्लो वेरी फास्ट, विंड मेक्स थिंग्स मूव, दिस इज कॉल्ड विंडिंग वेदर. और कुछ टाइम ऐसा होता है कि बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, दरख्त भी अपनी जगहों से हिल जाते हैं, कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, सो उस वेदर को हम क्या कहते हैं? वाइंडी वेदर. ठीक है, आज हमने वेदर्स के बारे में पढ़ा है. चार तरह के वेदर्स होते हैं, सनी, क्लाउडी, रेनी, वाइंडी. ठीक है, चार वेदर्स होते हैं, इनको आपने याद रखना है. ओके सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थ, सन, मून, एयर, वाटर, और आज हमने क्या पढ़ा है? वेदर. ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं इस वाले यूनिट के, सो आपने इनको अच्छे से रीड करना है, इस यूनिट को बहुत अच्छे से रीड करना है. ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका बुक वर्क करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.